मैं हूँ अली रज़ा और आप चैनल देख रहे हैं यूट्यूब अली रज़ा फ्रूट टेस्ट। आज आपने थंबनेल से अंदाज़ा लगा लिया होगा कि मैं किस बारे में आज वीडियो बना रहा हूँ। और ये आज मेरे हाथ में V8 साउंड कार्ड है, ये आपको वाजे नज़र आ रहा होगा। ये ऐसा गैजेट है कि आप इसको कम पैसों में ख़रीद कर अपना वोकल और कोई भी आप इसे लाइव स्ट्रीम करना चाहते हैं तो आप अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो ये मेरे पास पहुंचा तो काफ़ी दिन पहले है, 10-12 दिन हो गए हैं, लेकिन रमज़ान की वजह से कुछ एक दो वीडियोस बनाई थी मैंने, लेकिन मैं इसकी रिव्यू की वीडियो नहीं बना सका था। तो आज आपको इसका सारा मुकम्मल बताऊंगा। आपने वीडियो को कोई भी स्किप नहीं करना, क्योंकि ऐसे आपको पता नहीं चलेगा कि इसमें जो चीज़ यूज़ होती है, केबल्स यूज़ होती हैं। तो ये आप देखें, ये सारी आपको केबल्स की जगह नज़र आ रही होगी कि क्या क्या चीज़ लगती है इसमें। सबसे पहले ये हैंडसेट, एयरफोन और चार्जिंग का इसमें सिस्टम लगा हुआ है। चार्जिंग भी आप लगा सकते हैं और इसकी चार्जिंग बैटरी भी है, बैटरी सिस्टम भी है इसमें। और इंस्ट्रूमेंट इधर लिखा हुआ है, इसके साथ आप म्यूज़िक या कोई कीबोर्ड, पियानो इस किस्म का कर सकते हैं। दूसरी बात यह लिखा हुआ है Live 1 और Live 2। इसमें ये होता है कि आप जब मोबाइल में रिकॉर्डिंग इसको करेंगे, कनेक्ट करेंगे, तो इसको आप दो मोबाइलों से भी जोड़ सकते हैं एक साथ। दूसरा, इसमें दो माइक लगते हैं, ये एक देखें वायर वाला होता है जो डायनेमिक माइक, और ये दूसरा, ये जो आप वीडियो में भी सामने नज़र आ रहा है। तो इसकी थोड़ी पावर ज़्यादा होती है, अगर आप इसके साथ फैंटम पावर यूज़ करें तो ज़्यादा बेहतर है, नहीं तो इसमें सिस्टम है ये सारा हो जाता है। तो अब हम ये मोबाइल के साथ कनेक्ट करेंगे और आपको सुनाएंगे कि इसके साथ आवाज़ कैसी आती है। दूसरी बात कि इसमें मैं आपको वोकल का नहीं बताऊँगा, क्योंकि हमारा चैनल जो है वो बांसुरी का है, और हम इस पे बांसुरी का आपको बताएंगे कि इसमें बांसुरी की आवाज़ कैसी आती है। और काफ़ी लोग मुझसे पूछते रहते हैं कि आपकी आवाज़ बांसुरी की इतनी साफ़ क्यों होती है। तो दूसरी बात आज यही इसी से इंशाल्लाह आपको बताएंगे कि कैसे आप इसको साफ़ आवाज़ रिकॉर्ड कर सकते हैं, इको भी कर सकते हैं, ट्रबल इसमें अच्छी सब चीज़ें दी हुई हैं। तो हम अब इसके साथ सबसे पहले जी जो वायर हम करेंगे वो इसकी मोबाइल वाली लगाएंगे। Live 1 में हम इसको कर रहे हैं, ठीक है। और दूसरा, यहाँ से इसको आप ऑन करेंगे, इसको थोड़ा दबाई रखना है, अब ये ऑन हो गया है। और ये जो ब्लू और रेड जो आ रही हैं दोनों लाइट्स, ये ब्लू का जो है ये ब्लूटूथ भी है, इसमें ब्लूटूथ भी कनेक्ट हो सकता है। अब हम इसको मोबाइल के साथ रख देते हैं और ये लगा दें इसमें मोबाइल में। अब ये जो हम इसको माइक को लगा दिया है साथ में, अगर हैंड फ्री आप लगाना चाहते हैं, आप सुनना चाहते हैं, ये भी आप पता चलेगा कि हम हेलो जी बिल्कुल। अब ये जो आवाज़ आपको सुनाई दे रही है, ये इस माइक की आवाज़ मिक्सर में जा रही है, V8 साउंड कार्ड जो आपको मैंने दिखाया उसमें जा रही है। अब हम इसको साफ़ करने के लिए, अब थोड़ा सा आपको शोर भी नज़र सुनाई दे रहा होगा, तो अभी हम इसमें एक बटन दिया हुआ है साउंड कार्ड में, वो दबाएंगे और शोर भी ख़त्म हो जाएगा, वो भी आप ये MC का बटन बना हुआ है, ये हमने दबाया है। अब आवाज़ बिल्कुल साफ और क्लियर हो गई है इसी से। तो ये बहुत ही एक कमाल का गैजेट बनाया है कम पैसों में, ये आपको ऑनलाइन मिलेगा, क्योंकि हर सिटी में ये नहीं है, तो ऑनलाइन ही आपको दराज या इस किस्म के जो भी ऐप हैं उससे आप रब्ता करके ये ले सकते हैं। तो हमें अब आपने जो सेटिंग अगर करनी है इसकी, ट्रबलिंग, बेस,
सारा कुछ करके हम अब आपको ये बताएंगे कि फ्लूट की आवाज़ कैसे रिकॉर्ड होती है इसमें साफ और अच्छी। हाँ ये असल में ये होम स्टूडियो है और चलता फिरता स्टूडियो भी इसे कह सकते हैं। आप इसे कहीं भी चार्ज करके ले जा सकते हैं और अच्छी रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो अब फ्लूट आप सुने, थोड़ा सा आलाप करता हूँ फ्लूट का। नाज़रीन, ये इस गैजेट से मैंने भी बहुत ज़्यादा वीडियोस अभी बनाई हैं, 4-5 वीडियोस मैंने अपलोड भी की हुई हैं यूट्यूब पे। तो मैं तो इसको ख़रीद के बड़ा खुश हुआ हूँ और ये मैं चाहता हूँ कि आप भी ये लें और अच्छी रिकॉर्डिंग करें। आप ये गाने की भी रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, इसमें नात की कर सकते हैं, जो भी आप करना चाहें, 7 ट्रैक भी चला सकते हैं। तो जो नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह मैं बनाऊंगा ना इस पे, तो वो ऐसा होगा कि उसको हम ये देखेंगे कि इसके साथ म्यूज़िक ट्रैक चलाकर बांसुरी बजाएंगे कि उसके साथ ट्रैक और बांसुरी का कैसे मिलाप होता है और उसका रिज़ल्ट जो है वो आपको बताएंगे। और इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। और जो लोग मेरे चैनल को नए हैं, जो पहले देखते रहते हैं, उनका मैं शुक्रगुजार हूँ। वो मुझे पसंद भी करते हैं, लाइक करते हैं। नए लोग देखते हैं लेकिन कुछ लोग सब्सक्राइब भी नहीं करते, लाइक भी नहीं करते। तो ये एक यूट्यूबर जो भी होता है, एक उसकी मेहनत होती है, तो प्लीज़ उसे सपोर्ट किया करें, मुझे भी सपोर्ट करें। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।